सबसे पहली बात, हर किसी स्किन टोन पर शूट करता है, सामने वाला पर्सन फिर सोचता है कि ऐसे ही है, चीप क्लोथ्स खरीद। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज से एक वीक पहले एक भाई का वीडियो के नीचे कमेंट आया था। उन भाई ने कहा था कि भाई हाउ टू लुक गुड इन लो बजट, इस पर एक वीडियो बनाओ। एंड बात बिल्कुल सही है भाई की, क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, यानी कि जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, तब तक हम मिडिल क्लास बॉयज़ के लिए तो पैसों की थोड़ा तंगी रहती है, जिसकी वजह से हम अच्छे अच्छे आउटफिट नहीं खरीद सकते, महंगे महंगे आउटफिट नहीं खरीद सकते। सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आउटफिट्स बताने वाला हूँ जिसमें कि आप लो बजट में बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हो, हैंडसम लग सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले पर एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, अगर आपको कोई भी ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड, एंड वहां पर मैं आप सभी से पर्सनली बात भी करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे लोअर आउटफिट के बारे में, पैंट्स एंड जीन्स के बारे में। सो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इसके बारे में मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट लो है तो आप कभी भी नियोन कलर्स या जो हाईलाइट करते हैं लाइक रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इन कलर की पैंट्स एंड जीन्स ना खरीदें। पैंट्स आप एक टाइम के लिए सिलवा कर खरीद सकते हो, बट आप जीन्स ना खरीदें इन कलर्स की। अगर आपका बजट लो है, आप ट्राई करें कि आप थोड़े डार्क कलर की तरफ जाएं, लाइक ब्लैक कलर हो गया हमारा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आप पर लगेगा। एंड ये खराब भी नहीं होता है, एंड जो बाकी के कलर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो लो बजट अगर आप खरीदते हो तो वो खराब हो जाते हैं, महंगे खरीदते हो तो वो नहीं होते, क्योंकि ब्रांड पैसा ज्यादा दोगे तो कुछ तो बात होती है। जरा बात कर लेते हैं हमारे अपर आउटफिट के बारे में। अब जैसे कि समर्स आ ही चुके हैं, सो इसमें हम टी शर्ट ज्यादा पहनते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने दो टी शर्ट खरीदे, एंड ये कलर मैंने बहुत चूज करके खरीदे, एंड ये कलर्स आपके पास होने ही होने चाहिए। अब वो क्यों होने चाहिए वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात हर किसी स्किन टोन पर शूट करता है, सेकेंड चीज ये लगभग हर किसी क्लोथ्स के साथ एंड शूज के साथ अच्छा लगता है, तो ये कलर आपके पास होने चाहिए। अब सबसे पहला कलर इसमें जो कि है ब्लैक कलर हमारा। अब इन क्लोथ्स की एक बात ध्यान रखना, अगर आप चीप क्लोथ्स खरीद रहे हो तो कोशिश करना कि आप प्लेन क्लोथ्स खरीदे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिंटेड जिसमें बड़े बड़े लोगो बने हुए हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी के यहाँ पर बड़े बड़े लोगो लगे हुए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लुक को ख़राब कर देता है, सामने वाला पर्सन फिर सोचता है कि ऐसे ही है। सो इसीलिए प्लेन क्लोथ्स खरीदे, क्योंकि इससे हमारा कोई भी ब्रांड पता नहीं चल रहा हमने कौन सा ब्रांड पहना, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली टी शर्ट जो है हमारे पास वो है प्लेन ब्लैक टी शर्ट, एंड सेकेंड टी शर्ट जो है हमारे पास वो है प्लेन वाइट टी शर्ट। आप और भी प्लेन टी शर्ट्स की तरफ जा सकते हो, प्लेन कलर्स की तरफ जा सकते हो, कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर लेना, बट ये दो कलर्स तो आपके पास होने ही चाहिए। वो कैसे, इन दो का यूज आप और तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप इसके ऊपर कोई भी क्लोथ लेयर कर सकते हो, आप इनका यूज विंटर्स में कर सकते हो, लाइक आपने कोई डेनिम जैकेट डाली या आपने कोई दूसरी जैकेट डाली इनके ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड अगर हम प्रॉपर आउटफिट की बात करें तो अगर ब्लैक जीन्स के ऊपर मैं ब्लैक टी शर्ट पहन लूँ तो वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, एंड उसके नीचे अगर व्हाइट स्नीकर हो जाए तब तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगेगी। आई एम सॉरी, मेरे पास व्हाइट स्नीकर अभी नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें पहन पहन के बोर हो गया था काफी टाइम से, मैं व्हाइट स्नीकर ही खरीद रहा था, दैट्स व्हाई अभी मेरे पास व्हाइट स्नीकर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको पूरा आउटफिट जरूर दिखाता। एंड सेकंड, अगर हम इसी प्लेन जीन्स के ऊपर व्हाइट टी शर्ट पहन ले प्लेन, तो भी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, एंड नीचे अगर हम व्हाइट स्नीकर ही लगे तो भी वो बहुत ज्यादा अच्छी हम पर लगेगी। तो यही चीज, इन दो कलर्स में आप बहुत सारे आउटफिट पहन सकते हो, तो ये कलर जरूर ट्राई करें, एंड कोशिश करें कि प्लेन क्लोथ्स ले। अगर आपका बजट लो है तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लगोगे। सो यही चीज, आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। बस यही छोटा सा वीडियो मुझे आपको बताना था कि हाउ टू लुक गुड इन लो बजट, इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे, एक्सेसरीज वगैरह आप अपने हिसाब से पहन सकते हो। सो बस गाइस, इतने आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।